आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एग्रीबायो का पार्ट 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पशु परजीवी का अध्ययन व महत्व। परजीवी वह होते हैं जो कि किसी अन्य जीव से पोषण प्राप्त करते हैं। पशु परजीवी क्या होते हैं? वह परजीवी जो अपना भोजन पशुओं द्वारा ग्रहण करते हैं। ऐसे परजीवी जो अपना भोजन पशुओं से ग्रहण करते हैं उनको पशु परजीवी कहते हैं। अब एक परजीवी है पिस्सू। पिस्सू का वैज्ञानिक नाम होते हैं पुलेक्स इरिटेक्स। पिस्सू की विशेषताएं क्या होती हैं? यह छोटा बिना पंख वाला होता है। यह आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। यह पक्षी व पशुओं के बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। जो पिस्सू होता है ना, वो पशु और परजीवी के बाह्य परजीवी, मतलब जो पिस्सू है वो पशुओं के बाह्य रहता है। इसका रंग भूरा होता है। यह अपने मेजबान से खून चूसता है। यह दो से चार एमएम लंबाई के होते हैं। विश्व में इनकी 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में जो पिस्सू हैं उनकी 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके जो मुखांग होते हैं वो काटने और चूसने वाले होते हैं और आंखें संयुक्त होती हैं। इनका सिर छोटा तथा उदर बड़ा होता है। इनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। जीवन चक्र, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, इनमें ये पाया जाता है, अर्थात इनमें पूर्ण कायंत्रण पाया जाता है। यह नर व मादा के रूप में पाए जाते हैं। यह जनन रक्त चूसने के समय करते हैं। जो पिस्सू होता है वो एकलिंगी होता है, मतलब नर और मादा अलग अलग शरीर में होते हैं और ये जनन जब ये रक्त चूसते हैं उस समय करते हैं। आर्थिक महत्व, पिस्सू का आर्थिक महत्व क्या है? यह गर्म खून वाले कशेरुकी पशुओं में पाया जाता है, जैसे कि मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, भैंस, पक्षी, गिलहरी, गाय, भेड़ बकरी आदि में ये पाया जाता है। यह अपने मुखांग को चुबाकर खून चूसते हैं। जो पिस्सू होता है वो अपने मुखांग को चुबाता है और फिर बाह्य परजीवी से क्या खून चूसता है। इसके काटने पर अब वो मुखांग चुबाकर खून चूसेगा तो क्या होता है, चमड़ी पर सूजन और खुजली चलती है। यह रोगाणु को फैलाने का कार्य करता है। गाय, भैंस आदि को अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह गाय भैंस में दुग्ध उत्पादन की दर घट जाती है। अगर जो पिस्सू होता है वो गाय में लग जाता है तो क्या होता है, गाय और भैंस की दुग्ध उत्पादन की जो दर होती है वो कम हो जाती है। इसके कारण चिकित्सा क्षेत्र में फायदा होता है। अब ये दूसरा जोंक। जोंक का वैज्ञानिक नाम होता है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। यह एनिलिडा संघ में आती है। यह झील, तालाब व गीली दलदली मृदा में पाई जाती है। जो जोंक होती है वो झील, तालाब व गीली मृदाओं में पाई जाती है। ये देखने पर गहरी भूरी व चिकनी होती है। इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। यह 33 खंडों में बटी होती है। यह द्विलिंगी या उभयलिंगी होती है। जो जोंक होती है वो द्विलिंगी होती है, मतलब नर और मादा शरीर एक में ही पाए जाते हैं। जो पिस्सू था वो तो एकलिंगी था, मतलब नर और मादा अलग अलग शरीर में थे, और जो जोंक है वो द्विलिंगी है, मतलब नर और मादा एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। इसके 10वें खंड में नर व 11वें खंड में मादा होती है। यह नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। इनकी लाल में प्रतिस्कंदन पाया जाता है, जिसको हिरुडीन कहते हैं। तो जोंक की जो लाल होती है उसमें प्रतिस्कंदन पाया जाता है, जिसे हिरुडीन कहते हैं। इसमें उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एनिलिडा संघ के जो भी होते हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। यह अपने मेजबान से पोषण प्राप्त करती है। आर्थिक महत्व, इसकी 600 जातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से 16 प्रजातियों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। जो जोंक है उसकी 600 जातियां खोजी जा चुकी है और 15 जातियों का जो उपयोग है वो चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इनसे हिरुडीन प्राप्त किया जाता है। जो 15 जातियां हैं उनसे हिरुडीन प्राप्त किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि हिरुडीन क्या होता है, जो वो लाल होती है जोंक के, उसे प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ये 100 से ज़्यादा बायो एक्टिव तत्व बनाते हैं। पिस्सू पढ़ा, जोंक पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम है फैसियोला हिपेटिका। ये भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते पर पाई जाती है। इसकी लंबाई 1.8 सेंटीमीटर की होती है। इसका सिर पतला और उदर चौड़ा होता है। इसका रंग भूरा और मुख शंकु रूपी होता है। इसके शरीर पर मुख छिद्र के अलावा 2 छिद्र और होते हैं, जनन छिद्र और उत्सर्जित छिद्र।
जो जोंक होती है उसमें मुख छिद्र तो होता है, पर उसके अलावा जनन छिद्र और उत्सर्जन छिद्र भी होते हैं। इनमें एक आधारी चूसकांग होता है जो रुधिर को चूस लेता है। इसकी आंत बहुकोशिकीय होती है। इसमें उत्सर्जी कोशिका ज्वाला कोशिका होती है। जिसमें उत्सर्जी कोशिका होती है वो ज्वाला कोशिका होती है, अर्थात जिसमें उत्सर्जन होता है वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका जीवन चक्र जटिल होता है। व्यस्क फ्लूक अंडे से लार्वा में बदलता है। इसके लार्वा को मिरासीडिया कहते हैं। यह जल में तैरता है। जो व्यस्क होता है वो अंडे से लार्वा में बदलता है और इसके लार्वा को मिरासीडिया कहते हैं। इसका आर्थिक महत्व क्या है? ये सबसे ज़्यादा भेड़ों में रोग करता है। जो लीवर फ्लूक है वो भेड़, बकरी, सुअर इन सब में रोग करता है, पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो भेड़ को करता है। यह लीवर को क्षतिग्रस्त करता है। अब इसका नाम ही लीवर फ्लूक है तो ये सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त किसको करता है? लीवर को करता है। लीवर से संबंधित सभी कार्य अनियंत्रित हो जाते हैं। अगर ये किसी पशु को हो जाता है, किसी पशु के परजीवी हो जाता है ये, तो क्या होता है? जो लीवर से संबंधित जो सभी कार्य हैं वो अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण पशुओं में खून की कमी हो जाती है। ऐसे पशु में मल के साथ फ्लूक निकलता है। ऐसे पशु में क्या होता है? मल के साथ फ्लूक बाहर निकलता है। इसका गोबर काले रंग का हो जाता है। यदि यह अधिक मात्रा में हो जाए तो पशु की मृत्यु हो जाती है। अब है आगे एस्केरिस। एस्केरिस का वैज्ञानिक नाम होता है एस्केरिस ल्यूब्रिकाइट्स। यह नेमेटोडा संघ में आते हैं। यह मुख्यतः मनुष्य के आंत के कीड़े होते हैं। जो एस्केरिस है मनुष्य के आंत के कीड़े होते हैं, पर यह सुअर, भैंस, घोड़े आदि में भी पाए जाते हैं। यह चमकीला क्यूटिकल से ढके होते हैं। इसका रंग हल्का पीला गुलाबी होता है। इसका अग्र छोर त्रिकोणाकार होता है। इसका मुख तीन चौड़े होठों से ढका हुआ होता है। इसके संरचना के बारे में बता रहे हैं कि एस्केरिस ऐसा होता है। यह एकलिंगी होता है। नर में मादा अलग अलग होते हैं। इसमें मादा की लंबाई ज़्यादा होती है तथा पुरुष छोटा होता है। मतलब जो मादा की लंबाई पुरुष से क्या होती है? ज़्यादा होती है। मादा का पश्च सिरा सीधा होता है। नर के अवशकट द्वार पर एक जोड़ी पीनियल सीटी बाहर की ओर निकली होती है और मादा में पीनियल सीटी अनुपस्थित रहती है। जीवन चक्र, नर व मादा छोटी आंत में मैथुन करते हैं। जो एस्केरिस के नर मादा होते हैं वो छोटी आंत में मैथुन करते हैं। इसके पश्चात निषेचित करके अंडे को मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जीवन काल में ये 20 से 27 लाख अंडे देती हैं। जो एस्केरिस की मादा है वो जीवन काल में 20 से 27 लाख अंडे देती है। जब ये अंडे मिट्टी के संपर्क में जाते हैं तो वहाँ से ताप से नमी प्राप्त करके लार्वा में बदल जाते हैं और ये अंडे देती है। और ये अंडे क्या होते हैं? मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो ताप से नमी प्राप्त करके लार्वा में बदल जाते हैं। इनका नियंत्रण खुले में शौचालय नहीं जाना चाहिए। एस्केरिस का आर्थिक महत्व। एस्केरिस द्वारा होने वाले रोग को एस्केरियसिस कहते हैं। यह संक्रमित अंडों के द्वारा फैलता है। जो एस्केरिस है वो संक्रमित अंडों के द्वारा फैलता है। यह कभी कभी आंत को भेदकर पाचन तंत्र को भी क्षतिग्रस्त कर देता है। मतलब ये आंत को प्रभावित करता है ज़्यादा, पर ये आंत को भेदकर कभी कभी पाचन तंत्र को भी क्षतिग्रस्त कर देता है। रोग के लक्षण, अगर ये किसी को रोग हो जाएगा एस्केरियसिस तो उसकी आंत में दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, खून की कमी, WBC की कमी, उधर का फूल जाना, ये सब उसके क्या होंगे? लक्षण दिखाई देंगे। तो हमारा यहाँ पर ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम बायो का लास्ट चैप्टर, राजस्थान में पाए जाने वाली खाद्य मछली पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मछलियां जल में पाई जाती है। यह कॉर्डेटा संघ व उपसंघ वर्टिब्रेटा में आती है। जो मछलियां होती हैं वो कॉर्डेटा संघ में आती है और इनका जो उपसंग होता है वो वर्टिब्रेटा होता है। यह सांस लेने के लिए जल की सतह पर पाई जाती है और ये सांस लेती है तब जल की सतह पर आ जाती है। यह श्वसन गलफड़े के द्वारा करती है। अब तक मछलियों की 50,000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। हर वर्ष 100 जातियां खोजी जाती हैं। मतलब ये 50,000 प्रजातियां तो खोज ली मछली की और हर वर्ष 100 प्रजातियां और खोजी जाती हैं। राजस्थान में मछलियों की 75 प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियाँ असमतापी होती हैं। अब कुछ हम राजस्थान में जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रोहू मछली,
इसका वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिटा। इसकी विशेषता है रोहू मछली का आकार नावनुमा होता है। जो रोहू मछली है उसका आकार आप देखोगे तो नाव के नुमा दिखाई देगा। यह तैरने में सहायक होती है। यह शरीर पर दो तरीके के पंख पाए जाते हैं। जो रोहू मछली होती है उसके शरीर पर दो तरीके के पंख होते हैं। इसके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं और सिर पर शल्क नहीं होते। मतलब इसके पूरे शरीर में शल्क पाए जाएंगे पर जो सिर होगा उसमें शल्क नहीं होंगे। इनमें दोनों तरफ गलफड़े पाए जाते हैं। इसकी ऊपरी सतह काले रंग की दिखाई देती है तथा पलटने पर ये सुनहरी दिखाई देती है। अगर आप इस रोहू मछली को ऊपर से देखोगे तो काली दिखाई देगी पर इसको आप उल्टा कर दोगे तो ये सुनहरी दिखाई देगी। रोहू मछली का आकार, इसकी लंबाई वयस्क में 90 सेंटीमीटर होती है तथा 10 वर्ष में 2 मीटर होती है। मतलब वयस्क में तो 90 सेंटीमीटर की लंबाई और 2 वर्ष में 2 मीटर की लंबाई। इसका वजन एक वर्ष में 675 ग्राम होता है वह 3 वर्ष में 45 किलोग्राम होता है। और ये सर्वभक्षी होती है। सर्वभक्षी मतलब कि ये जंतुप्लवक, पादप्लवक, शैवाल सबको खाती है। अब है कातला। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कटला कटला। विशेषता, यह दक्षिणी एशिया की मछली होती है। जो कातला होती है वो दक्षिणी एशिया में ज़्यादातर पाई जाती है। इसका सिर बड़ा तथा निचला जबड़ा चौड़ा होता है। वजन एक वर्ष में 900 ग्राम तथा 2 वर्ष में 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। लंबाई, इसकी लंबाई 1.8 मीटर होती है। जो कातले की लंबाई होती है वो सामान्यतः 1.8 मीटर की होती है। इसका वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है। यह भी कैसी होती है? सर्वभक्षी होती है। हमने पहले रोहू पढ़ी थी, वो भी सर्वभक्षी है और ये भी सर्वभक्षी होती है। यह ऊपरी सतह से भोजन को ग्रहण करती है। अब है अगली कलभासु। इसका वैज्ञानिक नाम है लेबिया रोहिटा। इसकी विशेषता, यह दक्षिणी एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। यह काली रोहू के नाम से भी जानी जाती है। जो कलभासु मछली है उसको काली रोहू नाम से भी जानते हैं। इसके पीठ का सिरा धसा हुआ होता है। इसके होठों का आकार ज़्यादा होता है। जो इसकी लंबाई होती है वो 300 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। जल के निचले सतह से भोजन को प्राप्त करती है। अभी हमने जो कातला पढ़ा था वो तो भोजन को ऊपरी सतह से प्राप्त करती है और जो कलभासु है वो भोजन को निचले सतह से प्राप्त करती है। इसका औषधीय गुण अधिक होता है क्योंकि इसके लीवर में 5.5 ग्राम तेल पाया जाता है जिसमें विटामिन ए होता है। मृगाल, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिरहीनस मृगाल। इसकी विशेषता क्या होती है? यह दक्षिण एशिया में मुख्यतः पाई जाती है। जो मृगाल है वो दक्षिणी एशिया में मुख्यतः पाई जाती है। यह तेज बहते पानी में पाई जाती है। लवणीय जल में ये पाई जाती है। इसकी लंबाई 2 फीट और वजन 2 किलोग्राम होता है। इसका निचला हिस्सा चांदनी के समान सफ़ेद होता है। अगर मृगाल को देखेंगे हम तो उसका जो निचला हिस्सा है वो चांदी के समान दिखाई देगा, चांदी के समान सफ़ेद दिखाई देगा। इसके पंखों का रंग नारंगी होता है। प्रथम वर्ष में इसका वजन 600 ग्राम होता है, बाद में बढ़ जाता है। प्रथम वर्ष तो कितना होगा, 600 ग्राम होगा और बाद में जो इसका वजन है वो बढ़ जाता है। महासिर, इसका वैज्ञानिक नाम होता है टॉर टॉर। इसकी विशेषता, इसका पेट सफ़ेद तथा पीठ काली होती है। जो महासिर का जो पेट होता है वो सफ़ेद होता है और पीठ काली होती है। इसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर होती है लेकिन 150 सेंटीमीटर देखी गई है। सामान्यतः इसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर होती है पर कोई कोई 150 सेंटीमीटर की भी दिख जाती है। इसका वजन 68 किलोग्राम होता है। यह तेज बहते नदी तथा झरनों में पाई जाती है। सर्वभक्षी होती है। यह बरसात ऋतु में बरसात के पानी के साथ बहती है। मतलब जो वर्षा ऋतु होती है उसके जो पानी होता है बारिश का उसके साथ ही बहती है। यह प्रदूषण मुक्त जल में अंडे देती है। यह अगस्त से सितंबर महीने तक अपनी संख्याओं में तेजी से बढ़ती है। इस मछली का प्रजनन उदयपुर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में है। अब हमने मछलियां पढ़ ली, मत्स्य पालन की विधियां पढ़ेंगे। मछली का पालन व्यापारिक तौर पर किया जाता है। अब इसके पहले विधि है विरल मत्स्य पालन। इसमें पादप प्लवक व जंतु प्लवक व जलीय वनस्पति को मछली वाले क्षेत्र में डाला जाता है ताकि इसका उपयोग करके मछलियां वृद्धि कर सकें। जो मछलियों का क्षेत्र होता है उसमें पादप प्लवक, जंतु प्लवक और जलीय वनस्पति को डाला जाता है। और अर्धसघन मत्स्य पालन में तालाब में पोषण डालकर इन मछलियों का
पालन पोषण करते हैं, और पोषण के रूप में क्या डालते हैं, सब्जियां इनमें पोषण के रूप में डाली जाती हैं ताकि जो मछलियाँ हैं वो तेज़ी से वृद्धि कर सकें। सघन मत्स्य पालन, इसमें गंदे पानी को साफ करने के लिए मत्स्य पालन किया जाता है। जो सघन मत्स्य पालन करते हैं वो गंदे पानी को साफ करने के लिए करते हैं, इसमें भी मछलियाँ तेज़ी से वृद्धि करती है। यह मछलियाँ शैवाल को अपना भोजन बनाती हैं। सघन मत्स्य पालन में जो मछलियाँ होती हैं वो क्या, इनमें पोषण के रूप में क्या डाल लेते हैं, शैवाल, तो ये शैवाल को अपना भोजन बनाती है। मछलियों की जातियों के आधार पर कैसे पालन करते हैं, जैसे मिश्रित पालन। मिश्रित पालन मतलब मिश्रित मतलब सभी प्रकार की मछलियाँ, तो इस प्रकार के पालन में सभी प्रकार की मछलियाँ पाली जाती हैं। इसमें कार्बनिक संसाधनों का उपयोग करते हैं ताकि एक दूसरे को नुकसान ना हो। अब एक ही दो सभी प्रकार की मछलियाँ पाली जाती है तो अब क्या पता है जो मछलियाँ हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचा दे, तो इसके अंदर हम कार्बनिक संसाधनों का उपयोग करते हैं ताकि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। एकल पालन, इसमें एक ही जाति की मछलियों की खेती की जाती है। जो एकल पालन होता है उसमें एक ही जाति की मछलियों का पालन करते हैं, इससे उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद प्राप्त होता है, और ये जो एकल पालन होता है वो मीठे और खारे पानी में करते हैं। एकलिंगी मछली पालन, इसमें नर या मादा का ही पालन करते हैं जिसके कारण संख्या में वृद्धि नहीं होती। अब या तो नर को ही पालेंगे या मादा को ही पालेंगे तो संख्या में वृद्धि कैसे होगी, तो इसमें संख्या में वृद्धि नहीं होती और आकार में वृद्धि होती है। इस पालन में उत्पादन अधिक होता है, जो एकलिंगी होता है उसमें क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं महत्व। राजस्थान में 15,839 जल क्षेत्र हैं जहां पर मछलियां पालन की जाती हैं। यह क्षेत्र कैसे क्षेत्र हो सकते हैं, तालाब, छोटे बड़े बांध हो सकते हैं, जलाशय आदि। राजस्थान में 2011 में मछली उत्पादन 28,200 टन था। 2011 में मछली का उत्पादन कितना था, 28,200, और 8 वर्षों में 12.2% तक वृद्धि हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा 1982 में मछली विभाग की स्थापना हुई। 1982 में मछली विभाग की स्थापना की गई थी तथा इसके अंतर्गत 15 जिले आयोजना प्रारंभ की। 15 जिलों में इसकी जो योजना है वो प्रारंभ की, सबसे बड़ा उदयपुर था। 15 जिलों में जो इसकी योजना थी वो प्रारंभ की, पर जो इसमें सबसे बड़ा था वो उदयपुर था। सबसे अच्छा मत्स्य पालन कोटा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि में होता है। मछलियों का बीज राज्य में 28 सरकारी केंद्रों से मिलता है। अब मत्स्य पालन का महत्व, कि जो मछली पालन है उसका क्या महत्व होता है, तो है भोजन के रूप में। मछलियों के मांस में आवश्यक प्रोटीन होता है जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इसमें विटामिन व खनिज उपस्थित होते हैं। मछली के मांस में संपूर्ण आहार होता है। जो मछली का मांस है वो खाने योग्य होता है और इसमें विटामिन पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है, संपूर्ण आहार होता है। यह गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। भोजन के रूप में हो गया। अब है तेल के रूप में। इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। मछलियों का तेल होता है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है जो औषधियों के रूप में काम आता है। मछलियों की खाद को उर्वरक के रूप में काम लिया जाता है और सजावटी के रूप में कैसे काम में लिया जाता है, कि छोटे आकार की मछलियों को घर में सजावट के रूप में रखते हैं। मच्छरों से नियंत्रण, गैम्बूसी एक मछली होती है जिसका उपयोग हम मच्छरों के नियंत्रण में करते हैं। वैज्ञानिक मूल्य में कुछ मछलियों के फेफड़ों को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है और मछलियों से हमें रोजगार भी मिलता है, उनको बेच के हमें रोजगार भी प्राप्त होता है। मछली उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो मछलियों के लिए क्रांति की गई थी उसको हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये अपना 14वां चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।